कुंजावर प्री प्राइमरी स्कूल 2024 से 25 प्रवेश प्रारंभ। किंडरगार्टन प्राइमरी स्कूल की विशेषताएं: नया सुरक्षित रंगीन परिसर, प्ले रूम, 3D ऑडियो विजुअल टीचिंग टेक्नोलॉजी, नॉन टॉक्सिक टॉयज, स्विमिंग पूल विथ वाटर फाउंटेन। हमारा पता है महावीर वाटिका, सिंधी बस्ती के पीछे, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शराब ठेकेदार की एक हरकत ने शर्मसार कर दिया था बुरहानपुर को। यहाँ पे उन्होंने बैनर पोस्टर लगाया था अपनी शराब दुकान के बाहर कि अंग्रेजी बोलना सीखना है फटाफट तो शराब पीजिए, शराब पीने के बाद अब अंग्रेजी बोल पाएंगे, ऐसा संकेत देने वाला ये पोस्टर था जो विवादित था, जो चर्चा में आ गया था, जिसके बाद मीडिया की सुर्खी बना और भोपाल तक इसका हड़कंप मचा। जिसके बाद बुरहानपुर में कलेक्टर भव्य मित्तल ने आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया और इस ठेकेदार पे जुर्माना लगाया है। करीब ये अंकित पुरी है, अंकित पुरी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है कि उन्होंने इसका भ्रामक प्रचार प्रसार किया है, जिसके बाद यहाँ पे राजनीति गर्मा गई थी। बहरहाल आप खुद देखिए किस तरीके से ये पोस्टर है जो विवादित है। यहाँ पे छात्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, यहाँ पे कलेक्टर भव्या मित्तल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। दरअसल आपको बता दें कि आबकारी विभाग जो है, जो यहाँ पे धाकड़ है, वो मनमानी कर रहे हैं और हर शराब ठेके में लापरवाही है, अनियमितता है, लेकिन ये व्यवस्थाओं के तहत चुप्पी साधे बैठे हैं। आप देखिए यहाँ पे हर रोज खबर आती है कि आते में बैठकर शराब पिलाई जा रही है, बच्चों को शराब परोसी जा रही है, लेकिन ये आबकारी अधिकारी जो है ये टस से मस नहीं होते हैं। हालांकि आपको बता दें कि आबकारी विभाग जो होता है वो कलेक्टर भव्य मित्तल के अंडर में आता है, लेकिन इन सबकी चुप्पी कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है। बहरहाल हमारे साथ हमारी खबर को देखने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। अभी आपके माध्यम से मुझे इस बारे में सूचना मिली है, इसमें हम अपने आबकारी अधिकारी के माध्यम से कार्यवाही करेंगे। जिसने ये लगाया उसमें जवाबदेही तय होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, मेरा बीए फर्स्ट ईयर चालू है। आप ये हम भी देख के हम भी हैरान पड़ गए। हाँ, हम डेली रोज आते हैं स्टूडेंट के नाते। हाँ, क्या मैसेज? तो यहाँ से स्कूल के बच्चे आते जाते रहते हैं, तो वो देखते हैं ना कि यानी दिन दहाड़ इंग्लिश बोलना सीखे, यानी उनका कहने का मतलब ऐसा हो रहा है कि कोई भी बच्चा या पीए और यानी इंग्लिश बोलना सीखे। तो ऐसे तो सर यानी अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस पढ़ी है, वहाँ से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और जो आने जाने वाले लोग है, जो यानी पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग है, वो पढ़ के उनको यानी ध्यान भटकता है, मतलब भ्रमित करने वाला बोल रहा है। हाँ है ना, क्योंकि स्कूल के बच्चे आना जाना कर रहे हैं ना, डेली का है, देखते हैं तो किसी पे कुछ प्रभाव गिरेगा, किसी पे कुछ प्रभाव गिरेगा। उसमें इसमें लिखा है दिन दहाड़ इंग्लिश बोलना सीखे ठेके पर, यानी ये शराब की दुकान ही। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ग्राहकों को बुलाने के लिए ऐसा किया उन्होंने? हाँ, ग्राहकों को बुलाने के लिए, आज युवाओं को, क्योंकि आजकल के जनरेशन ऐसा है कि भाई यानी इंग्लिश बोलना सीखे, तो यानी पीने के बाद वो दहाड़ता है, पिएगा फिर दहाड़ेगा, अच्छी अच्छी यानी वो फिर नहीं, जो जॉब नहीं निकलने वाला वो भी निकलता है। क्या लग रहा है ये हटना चाहिए? और हटना चाहिए ना, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, हटना चाहिए। क्या नाम आपका? सिद्धार्थ पवार शाहपुर। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।